Hey modern champs, good morning to all dear students. How are you all, class 5th student? Hope all are very good and also enjoying your online classes and increasing your knowledge class. Once again, I'm here with your new video. And today, in this video, I discuss about that your new chapter in SST subject. So, all students, firstly, take out your SST book and open your chapter, chapter 16. Class, this is your new chapter. so all student firstly open it and the name of this chapter Indian Industries dear student Indian Industries industry सभी बच्चे जानते होंगे industry को हम उद्योग कहते हैं और आपने सुना होगा कारखाना कारखाना सुना है कारखाना मतलब वहाँ जहाँ पर रॉ मटेरियल द्वारा गुड्स तैयार किए जाते हैं मतलब कच्चे पदार्थों के द्वारा मशीन का उपयोग करके मैन्युफैक्चरिंग करके हम नए नए वस्तु बनाते हैं उसी को हम कहते हैं इंडस्ट्री यहाँ पे आज हम भारत के इंडस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे तो सबसे पहले सभी बच्चे आप चैप्टर सिक्सटीन में डिफिकल्ट वर्ड ओपन करके बुक फाइंड करिए जो भी आपको डिफ़िकल्ट वर्ड लगता है जैसे स्पेलिंग ऑफ इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग मशीन प्रोडक्शन तो ये सारे वर्ड्स जो हैं इसको आपको राइट करना है और स्पेलिंग लर्न करना है तो चलिए थोड़ा सा डिस्कस करते हैं यहाँ पे स्टार्टिंग करते हैं यहाँ पे देखेंगे आप जादू हैं जादू कहता है वाओ दीज आर सच ह्यूज ट्रक्स बट वाई आर दे देर यहाँ पे जादू कहता है अपने फ्रेंड से कि यहाँ पे देखो बहुत बड़ा ट्रक है लेकिन यहाँ पे क्यों है यहाँ पे कहते हैं दीज मशीन आर बॉड बाई इंडस्ट्री मतलब ये मशीन जो है इंडस्ट्री द्वारा आई है दे आर ऑन डिस्प्ले हीयर इसलिए यहाँ पे दिख रही है मतलब कि ये जो ट्रक है बड़ा सा ये कहाँ से आया है इंडस्ट्री से आया है ये इंडस्ट्री में बना है तो आपने देखा होगा कि बड़े बड़े कारखाने बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ होती हैं जहाँ पर बहुत सारे वस्तुएँ बनती हैं आज आपको बस डिफिकल्ट वर्ड फाइंड करके राइट करना है चैप्टर सिक्सटीन में आप चैप्टर सिक्सटीन होल पेजेस ओपन करिए जो भी वर्ड डिफिकल्ट लगता है उसको फाइंड करके राइट करके स्पेलिंग लर्न करिए एंड ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्क है सर्कल द प्रोड प्रोडक्ट्स दैट आर प्रोड्यूसड बाय मशीन इन इंडस्ट्री आपने देखा होगा कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ पे कुछ हाथ के बने हैं ठीक है थीके? और कुछ उगाए जाते हैं और कुछ इंडस्ट्री मतलब कारखानों में बनते हैं बड़े बड़े मशीनों द्वारा बनते हैं तो जो प्रोडक्ट जो है कारखानों में बनते हैं और मशीनों द्वारा बनते हैं आपको उनको सर्कल करना है समझ में आ रहा है जो चीज़ें मशीन द्वारा इंडस्ट्री में बनाए जाते हैं उन्हें आपको सर्कल करना है तो ये एक्टिविटी वर्क करिए और चैप्टर सिक्सटीन इंडियन इंडस्ट्री का आप डिफिकल्ट वर्ड फाइंड करके राइट करिए नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर के ऑल इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे सबसे पहले आपको ये कम्प्लीट करना है वर्क ऑल स्टूडेंट्स Uh, complete your work in your book and present in your class. Okay, student, thank you so much and take care.